हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टाइल ऑफ सोनिया में। और ये है 13 फरवरी का ये वीडियो क्लिप है। और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ सब्जी गज्जू के टिफ़िन के लिए और हस्बैंड के लिए। तो आलू गोभी की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो प्याज लहसुन मिर्च अदरक वगैरह थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं। और गोभी आलू को मैंने पहले तेल में थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लिया था। और फिर सूखे मसाले डालने के बाद मैंने टमाटर का प्यूरे डाल दिया है। और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी डाल दूँगी और अपने हिसाब से पानी डाल दूँगी। इसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी 13 तारीख को। सिर्फ 13 तारीख बस इतना ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो इसके मैंने सोचा कि इतना ये लगा दूँ, जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है थोड़ा सा इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ आज ही इस ब्लॉग में। तो मैंने ऐड कर दिया है। ये वीडियो क्लिप नेक्स्ट डे की है, 14 तारीख की। तो आज है ट्यूसडे और सुबह सुबह पहले मैंने झाड़ू लगा के अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि हस्बैंड को सुंदर कांड करना है। तो झाड़ू पोछा पहले मैं लगा के साफ़ कर देती हूँ फर्श वगैरह, क्योंकि हस्बैंड को सुबह सुबह उठ के नहा के सुंदर कांड करना रहता है इस वजह से। उसके बाद मैं गज्जू के टिफ़िन की तैयारी करूँगी। और सुबह को इतना आज हैवी खाना तो बनाना नहीं है क्योंकि हस्बैंड का फास्ट है। और दिन में मैं सिंपल दाल चावल ही बनाऊँगी अपने और बच्चों के लिए। और गज्जू के लिए आप प्याज का पराठा बना दे रही हूँ टिफ़िन में, और वो टमाटर सॉस के साथ ले जाएगी, उसको अच्छा भी लगता है, आराम से खा लेगी वो। तो यहाँ फटाफट पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर आगे काम शुरू करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल द लाइफ स्टाइल ऑफ सोनिया में। तो कल का थोड़ा सा सुबह का सब्जी जब मैं बनाई थी उस समय का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैं आगे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर डायरेक्ट आज मैंने जो है फिर ब्लॉग शुरू किया है। तो आज है मंगलवार, हस्बैंड का फास्ट है। तो सुबह मैंने उनको मूंगफली मखाना वगैरह भून के दे दिया था, वो चाय के साथ खा के ऑफिस चले गए हैं। और गज्जू के लिए मैंने बनाया था प्याज का पराठा, तो टमाटर सॉस के साथ टिफ़िन में प्याज का पराठा लेके चली गई थी। अब गज्जू हमारी आ गई स्कूल से, तो इसका कपड़ा वपड़ा चेंज करा के और मुँह हाथ वगैरह धुला के कपड़ा चेंज कर दिया है। और यहाँ खा रहे हैं बच्चे पॉपकॉर्न, तब तक मेरा खाना बन जाएगा। तो मैं जा रही हूँ दाल चावल बनाने के लिए, 15-20 मिनट में दाल चावल बन जाएगा। सिर्फ बच्चों के लिए अपने लिए बनाना है, हस्बैंड का फास्ट है मैंने आपको बताई ये। तो सिंपल सिर्फ दाल चावल मैं बनाऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर शाम को गज्जू को पढ़ाना है। आज मेरी मशीन भी सही हो गई है, तो इतने दिन से हाथ से कपड़ा धुल धुल के मैं एकदम परेशान हो गई थी, काफ़ी थकान होने लगा था। तो मशीन हम लोग की कल ही सही हुई है। और कल इतने सारे कपड़े मैंने कम से कम टब भर के कपड़े मैंने धुले थे। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती ज़रूर, इतने सारे कपड़े धुले। तो जब सारे कपड़े धुल के मैंने रस्सी में डाल दिया सूखने के लिए, तब मशीन वाला आया मशीन बनाने के लिए। तो खैर कल के और आज के थोड़े से कपड़े गंदे निकले थे, तो उनको मैंने मशीन में डाल दिया धुलने के लिए, तो वो कपड़े धुल रहे हैं। और सोच रही हूँ कि कल चादर भी निकाल दूँ, चादर भी काफ़ी दिन हो गया धुलने के लिए,
मशीन ख़राब थी, इस वजह से मैं चादर नहीं चेंज कर रही थी, क्योंकि हाथ से कितना कपड़ा धुले एकदम थकान हो जा रहा था और मेरा हाथ बहुत जल्दी दुखने लगता है कपड़ा धुलते समय, इस वजह से मैं चादर नहीं निकाल रही थी। तो सोची कि अब कल चादर निकाल दूँगी, कल है वेनर्सडे तो चादर चेंज कर दूँगी, तकिया कवर वगैरह सब चेंज करके कल मशीन में डाल दूँगी, धुल जाएगा। और आज जो कपड़े थोड़े से हैं वो धुल के फिर मैं भी रस्सी पे सुखा दूँगी, बस सूखने वाला है, बाकी सब धुल उल गया कपड़ा। और यहाँ मैं चढ़ाने जा रही हूँ अरहर की दाल, ये मैंने निकाल लिया था। और पहले मैं सोची कि आप लोगों को मैं गुड मॉर्निंग तो निकल ही गया, गुड मॉर्निंग का टाइम है, गुड आफ्टरनून आप लोगों से बोल ही दूँ, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ और दाल चावल भी चढ़ा लेती हूँ और मशीन दिखा देती हूँ आप लोग को कि मेरी सीट ठीक हो गई है। काफ़ी दिन से मशीन ख़राब पड़ी थी, मुझे लगा 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है और धूम सूख रहा है कपड़ा, सिर्फ 3 मिनट बाकी है, ये देखिए बस सूख रहे हैं। और यहाँ गर्म कपड़े मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था इजी वगैरह डाल के, तो इसको सुबह मैंने अच्छे से धुल के और इन कपड़ों को मशीन में सुखा के फिर मैंने रस्सी पर डाला कि जल्दी सूख जाएगा, गर्म कपड़े में सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो धुले तो हाथ से ही पर सुखाया मशीन में है, ये देखिए। खाना खा लिया है और ये देखिए यहाँ पे बच्चे भी सो गए हैं, ये देखो गज्जू सो रही है, उस तकिया पे सिद्धू सो रही थी तो उठ के देखो कहाँ पे जाके लेटी हैं सिद्धू, ये इधर लेटी हैं। और ये कपड़े मैंने कल धुले थे हाथ से, इतने सारे कपड़े धुले थे, इनको भी सेट करना है। और आज फिर मैंने मशीन में कपड़े लगाए, फिर उसको कल सेट करने के लिए निकल जाएंगे वो भी कपड़े। और टाइम हो रहा है 4 बज गया, करेक्ट 4 बज गया है, थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, कोई फ्रंट कैमरा है। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, पीऊँगी पानी और सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा सा आधे घंटे के लिए आराम कर लूँ, कि शाम को फिर उठने के बाद फिर वही काम शुरू हो जाएगा, चाय बनाना, खाना बनाना और गज्जू को पढ़ाना भी है। यहाँ बच्चों का खिलौना भी फैला हुआ है, इसको भी अभी मैं भर दूँगी। और गज्जू मेरी स्कूल से जब आती तो इतना थक जाती है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी सो गई, नहीं तो इतनी जल्दी सोती नहीं है, जबरदस्ती सुलाना पड़ता है तो सोती है, पर आज खाना खाने के बाद वो तुरंत सो गई है, कहना ही नहीं पड़ा, अपना आप ही कह रही थी मम्मा नींद आ रही है, तो फिर मैंने लाइट वाइट बंद कर दिया था, फिर सो गई थी वो। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए लाइट जलाया, मैं सोची बच्चे सो गए हैं तो मैं ये कपड़ा सेट करके रख दूँ, फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। तो चलिए पहले मैं पानी वानी पी के कपड़ा अपना सेट कर लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड का आज फास्ट है तो वो भगवान को भोग लगा के फिर वो भी दूध पराठा खाएंगे, और दोपहर की दाल बची थी तो अपने और बच्चों के लिए भी मैं पराठा बना लूँगी, तो बच्चे और मैं भी दाल के साथ खा लेंगे। और पहले मैंने छोटी सी मैंने एक रोटी बना के भगवान के लिए निकाल दिया है, तो दूध रोटी का भोग जो है हस्बैंड पहले हनुमान जी को लगा देंगे फिर अपना खाएंगे। और
इसी के साथ आज का ब्लॉग की मैं करती हूँ एंडिंग। और अगर मेरा आज का वीडियो आप लोग को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।